ज़्यादा लेना नहीं चाहिए वो, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस तरह से फीडबैक लेते हो ना, पब्लिक इतनी स्मार्ट है ना, वो उसी तरह का फीडबैक देती है। तू मक्कार है, तू माँ काब्ज नहीं खा रहा, तू नकली है, घी नहीं लगाया तूने पराठे में, शर्म आनी चाहिए। ऑल्सो टू रिमेंबर, क्योंकि फीडबैक, आई डोंट थिंक मैं फीडबैक अच्छे से लेती हूँ, आई थिंक आई एम क्वाइट झगड़ा करती हैं आप। मन में मैं बहुत कोस रही होती हूँ कि तुम्हें क्या पता है, यू नो अप्रेजल्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड द काइंड ऑफ फीडबैक दैट कम्स थ्रू समटाइम्स, हु आर यू टू से समथिंग टू मी, आई एम अ रेडियो जॉकी, आई नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, यू आर नॉट इवन देयर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर वन पर्सन हु हैड गिवन एन ऑडिशन एट सम पॉइंट, तुम्हें तो रिजेक्ट किया, यू आर अ रिजेक्ट। हाउ डू यू टेक फीडबैक, और डू यू ever even consider ke, you know what, theek hai, let me just take this up or not take it. Mujhe lagta hai mera matlab hi kya hai, matlab film ban chuki hai, mera kaam khatam ho chuka hai, ab wo dekh rahe hain log, ho sakta hai us waqt main dusri film likh raha hu, magar ek cheez hoti hai ki bhai, you know, being an extremely selfish man, pick up what the hell you can, man, isme kya aise jhagda kya karna, pick up what you feel might help you in the next film. Because there is no point. And दूसरी बात क्या है, एक और चीज़ की मुझे क्लैरिटी है कि जैसे कि मैं एक साबुन यूज़ करता हूँ ना, और मुझे लगता है ये बड़ा फालतू साबुन है, इसको फेंक देना चाहिए, ठीक है, मैं क्योंकि मैंने पैसे दिए यार भाई, तो मेरा हक बनता है। उसी तरह से अगर कोई आदमी है, हो सकता है कि वो रिक्शे वाला हो सकता है, कोई भी, उसने मेरी फिल्म देखी, उसने पैसे दिए, पैसे से ज़्यादा टाइम उसने लगाया, उसको नहीं पसंद आई तो उसका हक है गाली बकने का। मतलब मैं समझ गया इस बात को, क्योंकि मैंने एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग भी की है। दूसरी बात क्या है ना, फीडबैक ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, वो इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस तरह से फीडबैक लेते हो ना, पब्लिक इतनी स्मार्ट है ना, वो उसी तरह का फीडबैक देती है। देखिए आपने फिल्म बनाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसका तो घर नहीं चल रहा ना आपकी फिल्म से, तो आप उसको पूछेंगे कोई भी फिल्म, भाई मुन्ना भाई कैसी लगी, तो वो क्या जवाब देगा? अगर आपने पूछा मुन्ना भाई कैसी लगी, बोले हाँ बहुत अच्छी है, मैंने बोला मुन्ना भाई कैसी लगी, अच्छी नहीं लगी, वो आपको देख रहा होता है, वो थोड़ी अपने आप से इतना कनेक्टेड है कि वो दुनिया का सत्य आपको बताएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टेकिंग फीडबैक। आई थिंक फीडबैक इज समथिंग विच यू गेट व्हेन यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट, यू विल नो कि ये ऐसा गया है, यू नो, मुझे मालूम है कि ये चीज़ें मेरी फिल्म में पसंद नहीं की गई हैं या की गई हैं। सो यू हैव टू बी, यू कांट मेक फीडबैक। क्या होता है ना कि आजकल बड़ा वो सब कुछ ऐसा सिस्टमैटिक और सिस्टम में आ गया है, लोगों को लगता है कि उस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं ना, तो उनको हम अगर बोल देंगे, जो कैच फ्रेजेस होते हैं, तो हम बड़े, हमारी स्क्रिप्ट बेटर हो जानी है या हमारा गाना हिट हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है ना। मगर सो वो जो नंबर्स होते हैं ना कि भाई इतना पॉजिटिव फीडबैक है, उतना नेगेटिव फीडबैक है, ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई हैव डन मार्केट रिसर्च, सो आई नो दैट ये सब बड़ा डाइसी डेटा होता है, सो वन हैज़ टू बी केयरफुल विद फीडबैक। राइट, जेलसी इज अनदर थिंग दैट आई डोंट डू वेल। जेलसी चंकीला had a lot of that. Yeah, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर YouTube पे किसी वीडियो को ज़्यादा numbers आ गए हैं, तो इंसान थोड़ा मुझसे पतला है, you know? हाँ, sometimes it's as big or small. Correct. पतला होने का हक क्या? तुझे carbs कैसे नहीं पसंद? हाँ, अब पीछे तू मक्कार है, तू माँ carbs नहीं खा रहा, तू नकली है, घी नहीं लगाया तूने पराठे में, शर्म आनी चाहिए। I will make a film called Tamacha because right. मटर कश्ती खाओ गाओ मत।